हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट्स विल बी इवनिंग टाइम, नाइट टाइम और एनी टाइम यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो गुड डे टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं उसके वैल्यू क्या होते हैं, और उस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग ने किया था। आज की क्लास में क्या करेंगे, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ और क्वेश्चन जो हैं जो लास्ट क्लास में हम नहीं कर पाए थे टाइमिंग की वजह से, वो आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई मौका गवाए, बिना कुछ देरी के। क्या क्या है पहले तो हम लोग लिख लें। ट्रिग्नोमेट्री, ओके ठीक है। तो क्या हम लोग कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे वैल्यू इसका, तो आइडेंटिटीज एंड एंगल का, ये हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे, वैल्यू मीन्स आइडेंटिटीज और उसके एंगल के बीच में क्या वैल्यू है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर रहे थे पिछले क्लास में एनसीईआरटी का, उससे आगे बढ़कर आज के क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, टू टैन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो मौज कोई तो कर भी लिया हमने, आप लोग चाहिए तो पॉज लीजिए, पॉज लीजिए कुछ को ट्राई कीजिए। अगर एनसीईआरटी का आप एक्सरसाइज बनाए होंगे तो उसमें क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। तो देखते हैं, टू टेन 2 into 10 30 का वैल्यू क्या है, क्या है 1 upon root 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करें, 2/√3 अपॉन 1 plus 1/3 means 2/√3 upon 4/3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, 2/√3 upon तो हम भी आगे से करेक्ट हो गया, 3/4 टू, और ये √3 मीन्स √3/2 मीन्स ऐसे एंगल्स जो आपको ये क्या दिया हुआ है, अब आपको इसमें दिया हुआ है MCQ टाइप में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखना है जिनका वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। अगर ऑप्शन के अनुसार करते हैं तो sin 60° अगर हम बात करें, sin 60° इसका जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। और मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था 2 tan 30° अपॉन 1 plus tan 30° इसका भी वैल्यू क्या आया है हम लोग का निकल के √3/2। दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं 2 tan 30° अपॉन 1 plus tan 30° का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, साइन 60° के। कोई दिक्कत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन है आपके चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चन में, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 minus tan²(45° अपॉन 1 plus tan²(45 टेन स्क्वायर 45 डिग्री थोड़ा सा खुशी महसूस होता ही है, इसका वैल्यू क्या होता है
वन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टैक्सन वाला कुछ है नहीं इसमें। कोई दिक्कत क्या की है? जो भी वैल्यू दिया हुआ था, 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 10 square 45 is 10 45 into 10 45 10 45 का वैल्यू 1 minus 1 square upon 1 plus 1 square 1 square means 1 1 minus 1 is equal to 0 1 plus 1 upon 2। किसी भी जो डिजिट है, अगर उस किसी भी डिजिट से जीरो को जो डिवाइड करने तो वैल्यू क्या है? जीरो है। यहाँ भी कोई दिक्कत, ये तो वैसे ही हुआ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है और वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, टैन ए प्लस बी वैल्यू जो दिया हुआ वो रूट थ्री है। दूसरा है टैन ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो 1/√3 है। उसके बाद कहा गया है कि आपका जो ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 to 90 degree के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअली ए इक्वल टू क्या होगा एंड बी इक्वल टू क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपका ए और बी का इंडिविजुअली मान क्या हो गया, निकल गया। ए क्या है 45 डिग्री
और बी क्या आया 15 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।